अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मेरे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार को, बहुत ही करीबी, आईएसआई ने उठा लिया था। मेरा ख्याल है 3-4 महीने हो गए। पहले भी इसको एक बार उठाया था, 6 महीने रखा था और फिर काफ़ी लंबी चौड़ी डील के बाद उसको छोड़ा था। अब फिर इसको काफ़ी महीनों से उठाया है और परसों उसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगा है। मेरे पास पूरी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता उसकी सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन मुख्तसरन यह है कि उसमें बार बार मेरा नाम आया है और कोर्ट में कहा गया कि ये आरिफ अजाकिया का रिश्तेदार है, फलां रिश्ता है इसका, और आरिफ अजाकिया एक देशद्रोही है, एक गद्दार है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम करता है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस यानी आर्मी और अदालतें और इन सब के ख़िलाफ़ बातें करता है, और कुछ टेररिस्टों के नाम लिए हैं कि उन टेररिस्टों से ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है पाकिस्तान में, और हमने ये टेररिस्ट पकड़े हैं और वो आरिफ अजाकिया की इंस्ट्रक्शंस पे यहाँ पे सब चीज़ें करते हैं वगैरह वगैरह। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक पर्सनल सिचुएशन आई है तो मैंने कहा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, घट रहे थे इतने दिनों से, 2.9 बिलियन रह गए थे, अब बढ़ गए, $276 मिलियन बढ़ गए इस हफ्ते और अब 3.2 बिलियन हो गए, 3.2 बिलियन हो गए बड़े। शायद इसी वजह से होंगे कि पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, तो उससे थोड़ा बढ़ गया है। और सारे खर्चे तो इन्होंने फिल वक्त इम्पोर्ट वगैरह कंटेनर ये वो सब बंद किए हुए हैं, तो इस पर गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है कि हमने देखें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा दिए। कितने बढ़ाए? 276 मिलियन। तो 3.2 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। खाली आप कंपेयर कर लें अगर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज को भारत से, तो भारत के 600 बिलियन से भी ज़्यादा, यानी पाकिस्तान से 200 गुना ज्यादा। अंदाजा हो जाएगा आपको कि कितना पाकिस्तान कमजोर है और कितना भारत मजबूत है। 4 दिन जंग नहीं लड़ सकते, इनके पास इतना नहीं है। और जो आम आदमी का, जो पब्लिक का पैसा प्राइवेट बैंकों में पड़ा है उसको काउंट कर रहे हैं कि ये भी हमारे हैं 5.5 बिलियन, वो मिला के भी टोटल 8 बिलियन बनते हैं। तो अजीज दोस्तों, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि IMF तैयार नहीं है भाई, और IMF और दूसरा दुनिया में कोई भी देने को पाकिस्तान को कर्ज या मदद बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है ना जो, वो ख़राब हो गई है। Fitch एक इदारा है जो क्रेडिट रेटिंग देता है, इसने लास्ट ईयर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दी थी, CCC+ कर दी थी, CCC+, अब उन्होंने CCC- कर दी है। CCC- है ना, वो डिफ़ॉल्ट से पहले की लोएस्ट है, इससे नीचे जाएगी ना तो वो डिफ़ॉल्ट है। और CCC- का मतलब यह है कि दुनिया में आपको कोई भी कर्ज़ा नहीं देगा, कोई कंट्री कर्ज़ा नहीं देगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी ख़राब है। अब जैसे मिसाल है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक में जाता हूँ कर्ज़ा लेने के लिए कि आप मुझे £1000 ओवरड्राफ्ट दे दें मेरे अकाउंट में, तो कंप्यूटर में मेरा नाम मारता है, मेरी क्रेडिट रेटिंग आती है, कहता है सॉरी भाई, तुम्हारे तो हर महीने 5-6 बिल रिफ्यूज़ होते हैं तो तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का इस वक्त हाल है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देगा।
इतनी खराब क्रेडिट रेटिंग है, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने क्रिटिकल हो गए हैं, इतने नीचे आ गए हैं कि 3 हफ्ते की खाली इंपोर्ट भी पूरा नहीं कर सकते। कर्जों की वापसी और इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें मुश्किल है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला स्टेज है ना, वो डिफॉल्ट है, और अगर डिफॉल्ट हो जाएगा या फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी, और डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आपका क्रेडिट रेटिंग और ख़राब होती है, क्योंकि डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने कर्जा नहीं भर सक रहे, वापस नहीं दे पा रहे किस्तें, तो उससे आपकी क्रेडिट रेटिंग और ख़राब होती है। तो ख़राब क्यों ना होगी, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में अय्याशी है ना, वो ख़त्म होके नहीं दे रही। जो एलिट क्लास है ना, आर्मी की एलिट, पॉलिटिशियंस की एलिट, सिविल ब्यूरोक्रेसी की एलिट, जजेस, ये लोग अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं है। अब ये मलिक रियाज का दामाद है, 500-500 रुपए के नोट उड़ा रहा है, 500-500 रुपए के। ये मलिक रियाज का दामाद है, और ये अपनी किसी रिश्तेदार की शादी पे नहीं, ये अपनी गर्लफ्रेंड की उस पर पैसे उड़ा रहा है, और इसी गर्लफ्रेंड की वजह से मलिक रियाज की 2 बेटियों ने इसकी पिटाई भी की थी पिछले साल। लेकिन खुल्लम खुल्ला चल रहा है भाई। और मलिक रियाज आपको पता है कि कंगला गरीब आदमी था, अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप, और वो उसने खुल के कहा था कि मैं तो भाई रिश्वत लेता भी हूँ और देता भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में यही चलता है, बहरिया टाउन बनाया, और इसके बाद आज मलिक रियाज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है। और ये इनकी अय्याशियों का आलम है। अजीज दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो फिर इस मुल्क को दिवालिया से कौन बचाएगा। एक मिसाल है कि ये एक कनाडा में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हैं, ये रोते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आर्मी ऑफिसर्स का नाम ये ले नहीं रहा, क्योंकि फिर पाकिस्तान नहीं आ सकता ना भाई, या इसकी फैमिली होगी पाकिस्तान में वो ख़तरे में आएगी, तो पॉलिटिशियंस पे बंदूक रखा हुआ है। पॉलिटिशियंस और जो डेलीगेशन आते हैं ना कनाडा, तो वो बड़े महंगे होटलों में रहते हैं और लेमोजिनों में सफ़र करते हैं। ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं इस वक्त ये बात करने लगा, कितनी अहम बात यह है कि मैं इस वक्त सैडबरी के अंदर, कनाडा के एक शहर है छोटा सा, उसके अंदर मेरी कैब कंपनी है जो यहाँ पर मेरे ड्राइवर रन करते हैं। मुझे आज इस वक्त इतना रोना आ रहा है अपने मुल्क के ऊपर, अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, कि वो अवाम के खून पसीने की कमाई से क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उसके मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मेरी इस गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आए, उनके पास कोई एक्स्ट्रा कोई लेमोजीन और ये तमाम चीज़ें नहीं लेने आई थी उनको। हमारे मुल्क के वजीर सफीर हमारा हमारी कौम का लहू चूस रहे बेगैरत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जितने भी सूबाई असम्बली कौमी असम्बली सेंट के मेम्बरान हैं, अल्लाह ताला इनको नेस्त तो नाबूद करे। एक वो मुल्क जो खुशहाल है उसके मिनिस्टर को दें आप। वो टैक्सी में आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ मेरी टैक्सी क्या है, एक शटल है जिसमें वो शेयर राइड करके आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये है वो मेरी कंपनी सैडबरी कैब के नाम से, जिसमें ये सब बैठ कर आए हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी जिंदा किया बैठा हूँ पीआईए के नाम से, लेकिन हमारे मिनिस्टर हमारी कौम से जलाट पर जो उतरी हुई है, लूटने पे लगी है हमारी कौम को। मेरी समझ में आ रहा है कब गारत होंगे, कब नेस्त नाबूद होंगे। मेरी पाकिस्तान आर्मी से दरख्वास्त है कि इन सब मेंबरान को, सब मुल्लाओं को, इनको सबको बढ़ा के एक बड़े जहाज़ में कराची के समंदर में बीच में ले आके गर्क कर दें और नई तालीम याफ्ता कौम को ला के। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का आलम है। मैंने भी आपको पहले कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि हमारे जो बाहर जाते हैं ना, वो लोन ले जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, लेकिन रहते हैं सबसे महंगे होटल में। उस शहर में सबसे महंगा होटल होगा उसमें रहेंगे और लेमोजिनों में सफ़र करेंगे। आप यहाँ पे ब्रिटिश मिनिस्टर्स तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर भी होता है ना, तो वो कहीं लोकल यूके के किसी शहर में जा रहा है या पेरिस जा रहा है या दूसरी जगहों पे जा रहा है, तो वो कोई लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेके नहीं जाता। वो एकाद जो काम का मिनिस्टर होगा, जैसे कहीं जाना है वहाँ पे डिफेंस की बात करनी है तो डिफेंस मिनिस्टर होगा, एकाद कोई मिनिस्टर होगा उसको लेके, कोई सेक्रेटरीज नहीं, कोई लंबा चौड़ा नहीं। हमारा तो डेलीगेशन जाता है तो 50 आदमी से कम जाते नहीं है। ये अभी भाई साहब गए हैं हमारे शहबाज शरीफ, तुर्की गए हैं, अरबगान ने मना कर दिया था ज़बरदस्ती अरबगान को कि भाई हमारी इज्जत का मसला है, प्लीज़ आने दो। ये अब वहाँ घूमने फिरने क्या करेगा, क्या ये वहाँ जाके क्या करने जा रहा है इस वक्त इन हालात में, जब वहाँ पर रिलीफ वर्क हो रहा है सब कुछ। एक कतर का अमीर गया और एक ये गया। कतर का अमीर गया, समझ में आती है बात कि कतर का फीफा वर्ल्ड कप में हज़ारों घर बनाए थे टेम्परेरी कंटेनरों के, वो कतर ने उधर दिए हैं कि आपके जो लोग बेघर हो गए हैं इनके लिए ये घर, तो टेंट से बेहतर वो घर हैं, कतर ने वो दिए हैं। कतर ने मिलियंस ऑफ डॉलर, पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं तुर्की को। कतर और तुर्की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक सोच के हामिल हैं। मिडिल ईस्ट में आपको रिवॉल्यूशन मिलेगा, बहरेन में, इसमें इमारात में, सऊदीया में, वहाँ रिवॉल्यूशन आ रहा है। कतर पीछे जा रहा है, 1400 साल पे जा रहा है, वही तुर्की कर रहा है। तो कतर का अमीर क्या, समझ में आता है ये क्या करने जा रहे हैं। औकात तो है नहीं कि तुम कुछ दे सको। वही जो तुम्हारा सैलाब के रिलीफ का सामान आया था वही उठा के उधर दे रहे हो, उसमें भी पता नहीं क्या ड्रामे हैं। तो ये भाई सब सैर सपाटे करने चले गए। तो पाकिस्तान के तो डेलीगेशन पर डेलीगेशन, एक हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो घूम ही रहा होता है। काम क्या है इनका समझ नहीं आता कि भाई आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, आपकी कोई इकोनॉमी नहीं है, तो आप काय को इतने बड़े उसमें जा रहे हो। तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। ऐसे में आप ये देखें कि पेट्रोल की प्राइस 22 रुपया बढ़ा दी, 272 रुपये का लीटर हो गया पेट्रोल। हर चीज़ पर टैक्स, इवन जो कबर होती है ना, आदमी मर जाता है उसकी कबर, कबर पर टैक्स बढ़ा दिया। हर चीज़ की खरीदारी पे, 1000 रुपए की खरीदारी पे 180 रुपए का टैक्स, सेल्स टैक्स। और जो इन्होंने आईएमएफ की कंडीशंस थी ना, कंडीशंस पहले आपको मैं बताता हूँ। आईएमएफ ने एमईएफपी भेजा है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। जिस तरह एक मुल्क, एक कंपनी है वो तबाह हो जाती है तो गवर्नमेंट का ऑडिटर आता है और वो उनको हिदायत देता है। जिस तरह एक स्कूल में बच्चा फेल हो रहा होता है तो टीचर उसको हिदायत देती है, ऐसे अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस का मेमोरेंडम भेजा है। इम्पोज टैक्स, 170 बिलियन का टैक्स इम्पोज करो, सब्सिडी गैस पे और एनर्जी सेक्टर पे ख़त्म करो, जीरो एडिशन गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट में, जीरो एडिशन। पेट्रोलियम लेवी को और डीजल लेवी को 50 रुपया बढ़ाओ, बीआईएसपी एलोकेशन 400 बिलियन, एक्सचेंज रेट को मार्केट से, यानी डॉलर रेट को मार्केट से जोड़ दो, अपनी मर्जी से डॉलर को कंट्रोल नहीं करो, इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ाओ,
सुपर टैक्स लगाओ आम आदमी के ऊपर, शुगरी ड्रिंक्स और सिगरेट्स पे 60 बिलियन के टैक्स लगाओ, नहीं शुगरी ड्रिंक्स पे 60 बिलियन और सिगरेट पे 65 बिलियन का टैक्स, जीएसटी 1% बढ़ा दो, ये आईएमएफ ने वो किया है। तो पाकिस्तानी सरकार ने जीएसटी 17% से 25% कर दिया लग्जरी आइटम पे, यानी मोबाइल पे और जो लग्जरी आइटम है। फर्स्ट क्लास टिकट के ऊपर 20,000 रुपया बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया। इनकम टैक्स मैरिज हॉल पे, शादी हॉल पे 10%, सिगरेट सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, सीमेंट के ऊपर 1.5 से 2 रुपया पर केजी बढ़ा दिया, जीएसटी जो 17% था सब चीज़ों पे वो 18% कर दिया, 1% बढ़ा दिया। ऑलरेडी पाकिस्तानी सरकार ये कर रही है कोशिश, जबकि जो खर्चा कम करने की बात है ना वो नहीं कर रहे। पाकिस्तान ग्लोबल फायर पावर यानी मिलिट्री पावर में 145 मुल्कों में 7वें नंबर पे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में 192 मुल्कों में 161वें नंबर पे। यानी आप कहीं भीख मांगने जा रहे हैं तो आपके कंधे पे कलाशंकोफ होती है, क्योंकि फायर पावर है आपके पास, मिलिट्री है, हथियार हैं, सब कुछ है, खाने को रोटी नहीं है तो भीख मांग रहे हो, तो फिर भाई साहब पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। देखें ये बता रही हैं कुछ जरा गौर करने वाली बातें। पाकिस्तान में पिछले साल यानी 2022 में जो हलाकत खेज सैलाब आया उससे जो कुल तबाही हुई है वो हुई है $30 अरब की, और अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के जो इलीट तरीन तबका है, जो अमीर और प्रिविलेज्ड क्लास है, जिसमें आते हैं सियासतदान, सिक्योरिटी इदारे, सनतकार, जमींदार, इस तबके को सालाना 17.5 अरब डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, इनमें जिनमें मरात भी शामिल है। यानी कि अगर इस अमीर तबके को 2 साल सब्सिडी ना मिले तो उस रकम से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली नौ का काम हो सकता है, शायद कुछ पैसे बच भी जाए। इसीलिए अभी कुछ हफ्ते पहले जिनीवा में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए एक बैन अलाक्वामी इमदादी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को इमदाद नहीं दी, सबने कर्ज दिया, क्योंकि उनका ख्याल है पाकिस्तान के पास जब सब्सिडी देने के लिए इतने पैसे हैं तो वो जो तामीर नौ का काम है वो भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस अमीर तबके को अगर सब्सिडी 2 साल नहीं मिलेगी तो वो गरीब हो जाएंगे, वो 2 साल छुट्टियां गुजारने यूरोप अमरीका चले जाएंगे। और ये जो हुकूमत कहती है कि हम उस डोनर कॉन्फ्रेंस से 10 अरब डॉलर लेकर आए हैं, वो ठीक है 10 अरब लाए हैं, लेकिन वो इमदाद नहीं है, वो कर्ज है, वो वापस लौटाए जाएंगे मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। यानी कि अमीरों के लिए सब्सिडी, मुतवस्सित तबके के लिए टैक्स और गरीब के लिए कुछ। अब इन्होंने ये बताया कि जो एलीट क्लास है उनको सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी होता है गवर्नमेंट की मदद, सब्सिडी इसको कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको मदद कर रही है इतनी, 17 अरब डॉलर, 17 बिलियन डॉलर, ये पाकिस्तान की हर साल की, एक साल की जरूरत है, हर साल 17 बिलियन हो, पाकिस्तान कर्जे की किस्तें भी भर सकता है, इंपोर्ट भी सब कुछ हो सकती है, ना कंटेनर की लाइन लगेगी ना कुछ होगा, लेकिन वो एलीट क्लास को सब्सिडियां दी जा रही हैं, बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इन्होंने तो ये कहा कि इससे सैलाब वालों का मसला हल हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर खाली 17 बिलियन आप एलीट क्लास की सब्सिडी ख़त्म कर दें, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री, हर जज को इतनी फैसिलिटीज़ हैं, एक बावर्ची खाना पकाने वाला, एक ड्राइवर या 2 ड्राइवर हैं कई केसेस में, चौकीदार है, गार्ड है, इलेक्ट्रिक के बिल फ्री, गैस के बिल फ्री, टेलीफोन के बिल फ्री, मोबाइल के बिल फ्री, गाड़ी का पेट्रोल फ्री, हर चीज़ फ्री। और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो महंगे जज हैं ना वो जज हैं हमारे यहाँ, इतनी सैलरी के हिसाब से, इतनी सैलरी मिलियंस ऑफ रुपीज़ में इनकी मंथली सैलरी है, और ये सारी फैसिलिटीज़।
ये आर्मी जनरलों पे आप जाएं, आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 16 से ऊपर जाएं, आप पॉलिटिशियंस में जाएं, अगर आप सब्सिडियां ख़त्म कर दें ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, उनको सब्सिडियां दी हुई हैं, जबकि दुनिया में दूसरी जगहों पे छोटी इंडस्ट्री को सब्सिडियां दी जाती हैं ऊपर लाने के लिए, छोटे ट्रेडर्स को। तो ये सारा सिस्टम जब आपका ख़राब होगा तो अजीज़ दोस्तों, फिर सुधारे की आप उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। इस मुल्क में अब सुधारे नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। अजीज़ दोस्तों, गैस पे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 113% इंक्रीज़ हो गया है। और इसमें जो हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान है ना, जो वो ये शो करते हैं कि वो खर्चे नहीं करते थे जब सरकार में थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाते थे अपने बनी गाला से इस्लामाबाद में, 100 करोड़ रुपए का खर्चा पड़ा है, 100 करोड़ रुपया खाली प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर तक का। आप यकीन माने, पैदल आप चले ना तो 15 मिनट पर पहुंच जाए। और ये भाई साहब कहता था कि मैं सरकार ईमानदारी से चलाता था। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम अपने वर्कर्स को प्रोविंस में बलूचिस्तान में सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, सेंटर यानी इस्लामाबाद हमें हमारे पैसे नहीं दे रहा, इसलिए हमारे पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपके पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, जब आपके पास आवाम को खाने को देने को कुछ नहीं है, टैक्सों पे टैक्सें लगा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई बढ़ा रहे हैं, एलिट क्लास की अय्याशियाँ कम नहीं हो रही, तो इस मुल्क को कौन बचाएगा? एंड पे आपको ये 1 मिनट की वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, ये इमरान छोटानी हैं पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन के, इन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, बिल्डर्स इंडस्ट्री बंद हो गई है, सरिया आयरन का भाव बढ़ा दिया है, सीमेंट का भाव बढ़ा दिया है। तो ऑलरेडी आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ तकरीबन बंद हो चुकी हैं, हाफ पे काम कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल आ भी रहा, जो पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी डबल भाव कर दिया है। तो इस सारे सिचुएशन में ये भी इंडस्ट्री बंद हो गई, इनकी वीडियो सुनिए। और अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। मैं मोहम्मद अल्ताफ ताहिर, चेयरमैन आबाद पाकिस्तान। हमारी लास्ट वीक हमने स्ट्राइक कॉल दी थी कि अब आज के बाद हम कुछ भी आयरन स्टील नया परचेज नहीं करेंगे, हमारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में और किसी की साइड पे भी आज के बाद आयरन की डिलीवरी नहीं होगी। तो हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब तक इंशाल्लाह ताला इसके प्राइस अंडर कंट्रोल नहीं आ जाते। तो मेरी ये एक गुजारिश है कि आज की तारीख में जो स्टील इंडस्ट्रीज वाले ने कार्टलाइजेशन के तहत 1,95,000 रुपए से इसकी प्राइस 3,08,000 रुपए तक जो चली गई थी, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि दिनों में 15,000 रुपए इन्होंने प्राइस बढ़ाई, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इन्हीं का कहना है, इन्हीं के ये कि एलसीज ओपन नहीं हो रही, रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, तो उनके पास जो भी माल पड़ा हुआ है, जो पुराना माल है, जो 2,25,000 रुपए की डिलीवरी ये नहीं दे रहे, और 3,00,000 रुपए में अगर इनके पास डिलीवरी देने के लिए है, तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मैं समझता हूं अगर एलसीज के प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि इसमें इंटरवीन करके, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इंटरवीन करके इसके एलसीज के प्रॉब्लम हल किए जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर 1,00,000 मेट्रिक टन भी अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को उसमें सिर्फ $50 मिलियन चाहिए, जो कि कोई बहुत बड़ी नहीं है। इससे तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग जो बेरोजगार होने वाले हैं उनकी बेरोजगारी बच जाएगी, और ये इंडस्ट्री जो इस वक्त कॉलेप्स हो रही है, इस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 50% बंद हो गई है, ये इंडस्ट्रीज बंद होने से बच जाएगी।